दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में 30 जनवरी को बिहार में मानव श्रृंखला बनाई गई। वहीं बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस यानी 30 जनवरी को महागठबंधन के सभी दलों ने एक राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बनाई। ये मानव श्रृंखला दिन के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक बनाई गई। इस मानव श्रृंखला को लेकर 29 जनवरी को जिला के रजत के नेताओं ने जिला के विभिन्न किसानों के साथ कई बैठकों का आयोजन किया। इन सभी बैठकों में जिलों में मौजूद किसानों ने मानव श्रृंखला में बढ़ चढ़कर सम्मिलित होने की बात कही थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ किसान भी मौजूद दिखे। इस मानव श्रृंखला को बनाकर दिल्ली में बैठे आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया गया है। आपको बता दें, महागठबंधन के नेता और मुखिया का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक इसी प्रकार से आंदोलन जारी रहेगा। आज जो ये मानव श्रृंखला लग रहा है किसान के समर्थन में, और किसानों के ऊपर जो तीन काला कानून लादा गया है वो किसान को बर्बाद करने के लिए, इसलिए किसानों के जो है ना हक और हकूक के लिए आज हम लोग ये मानव श्रृंखला में भाग ले रहे हैं। हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि किसान के खिलाफ जो आपने तीन काला कानून बिल लाया है जो किसान के हित में नहीं है, उसे आप अविलंब वापस लो। आज विगत 2 महीनों से किसान आज दिल्ली के सड़कों पर चारों तरफ से दिल्ली के सभी बॉर्डर को घेरे हुआ है, लेकिन ये निरंकुश शासन की सरकार, भाजपा की सरकार किसानों का हित में नहीं है, ये व्यापारियों के हित में काम कर रहा है। इसलिए आज हम लोग नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के समर्थन में आज हम लोग उनके आह्वान पर पूरे बिहार में हम लोग ये मानव श्रृंखला लगाए हैं। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।